चीज भी मेल्ट हो जाएगा एकदम अच्छे से और डम्पलिंग भी डूब जाएगा डूब जाएगा। सीधा सीधा डालो। हेलो गाइस, हाय। सो गाइस, आज हम लोग फिर से आ गए हैं और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ हम लोग आ गए हैं। काफी डिफरेंट सा चीज आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं चीजी राइस पेपर डम्पलिंग्स, काइंड ऑफ मोमो जैसा ही दिखेगा और उसके अंदर चीज रहेगा और ग्रेवी भी बनने वाली है साथ में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक मेन्यू है और बहुत ही अलग है। तो सिंपल भी है। हाँ, और सिंपल भी है, बहुत मतलब जल्दी भी बन जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। तो ये राइस पेपर चाहिए। राइस पेपर ये ऑनलाइन मिल जाते हैं ना अमेज़न में। हाँ, ये तो इजीली मिल जाएगा आपको। राइस पेपर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और चीज चाहिए खूब भर भर के, क्योंकि चीज डालना है अंदर और कुछ नहीं। तो ये मोज़रेला चीज हो गया। और बाकी ग्रेवी बनाने के लिए जो ऑनियन चाहिए, सेसमी सीड चाहिए, गार्लिक और अदरक चॉप चाहिए, बारीक चॉप किया हरा धनिया चाहिए, थोड़ा कॉर्नफ्लावर चाहिए एक चम्मच, जिसका हम सैलरी बनाएंगे। और ये मैंने ग्रीन ऑनियन ले लिया, बाकी कोई वेजिटेबल नहीं लिया, एकदम सिंपल रखेंगे। और बाकी सारा विनेगर और टोमेटो के चार। हाँ, मतलब जो चाइनीज में चाहिए। हाँ, जो चाइनीज ग्रेवी बनता है वैसा ही ग्रेवी बनेगा, पर मेन पार्ट है वो डम्पलिंग। तो देखते हैं वो डम्पलिंग कैसे बनेगा। बड़ा ही मजा आएगा आज, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये बनने कैसे वाला है। सो गाइस, मम्मी ने ऑलरेडी बना लिया है, ये देखो इतना सारा। मम्मी ने मुझे बोला था कि एक बनाती हूँ और थोड़ा प्रैक्टिस करती हूँ, पर मम्मी ने बनाते बनाते सारा ही बना दिया। दो डिजाइन के बना दिया। हाँ, दो डिजाइन का बना दिया। अब मम्मी आपको दिखाएगी ये दोनों डिजाइन कैसे बनता है। और मुझे तो ये वाला पोटली वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। तो रोल वाला बहुत इजी है, जो जिसको जो जमेगा। तो सबसे पहले राइस पेपर ले लेते हैं, उसको पहले पानी में भिगोएंगे, अच्छे से भिगो लेंगे। जैसे ही पानी में भिगोते ये सॉफ्ट हो जाता है। अच्छे से भिगोना पड़ता है, कम से कम 50 सेकेंड तक तो भिगोना पड़ता है, तब जाके ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। और एक भिगा रही मम्मी। हाँ, तब ये बनते बनते ये भीग जाएगा एकदम आराम से, तभी काम फटाफट होता है। तो इसके ऊपर मैं भी डाल दूंगी चीज। अच्छा अमाउंट डालेगी मम्मी, एकदम मस्त। हाँ, ये रोल वाला बना रही हूँ पहले। ये बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा, बस इसको भी ऐसे रोल कर दो। इसको ऐसे गोल गोल चिपका दो, रोल करके बस दो साइड को अच्छे से चिपका दो। हो गया। 2 सेकंड में ये अच्छे से चिपक जाएगा भीग के, बस एक पैटर्न हो गया। तो एक और राइस पेपर लेके आई, उसमें भी चीज डाल दूंगी, ये पोटली वाला बनाऊंगी। ये भी इजी है ना बहुत। अब इसको एक कोने से पकड़ के प्लेट करते, जैसे मोमो बनाते हैं वैसे ही। वाओ, ये सुंदर लग रहा है, उससे ज्यादा ये ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। पर वो इजी है, दोनों ही अच्छे हैं, बस उसको अच्छे से हम मोड़ देंगे। ये तो अपने आप ही चिपक जाते चिपक हैं। जाएगा। वाह, देखो गाइस ये दोनों बन गए हैं और सारे के सारे ऑलरेडी बन गए हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी इन लोगों के लिए ग्रेवी ना। ग्रेवी के ऊपर जब ये डालेंगे, ये थोड़ा स्टीम पे चीज एकदम मेल्ट हो जाएगा, फिर बन जाएगा चीजी डम्पलिंग। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई ले लिया, उसमें मैं 3 चम्मच पीनट ऑयल डाल दिया। आप सेसमी ऑयल में भी बना सकते हो, पर मैं पीनट ऑयल में बनाऊंगी क्योंकि आजकल मैं पीनट ऑयल यूज कर रही हूँ। और आज जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आज फिल्म देखने जाने वाली हूँ मैं। मेरे फ्रेंड की बच्चे के बर्थडे है, उसमें भी जाने वाली हूँ मैं, तो रात तक इतना सब कवर करूंगी। 10 बजे मैं मूवी देखने जा रही हूँ। और मेरा वीडियो भी है। हाँ, मैडी की भी वीडियो है। और 10 बजे हम मूवी देखने जा रहे हैं, एनिमल। एनिमल मूवी रिलीज हुई है तो वो हम देखने जाएंगे। और आज पता है 1 तारीख है, आज 1 साल हुआ है इस घर का जो गृह प्रवेश हो रहा था। हाँ, आज हमारे घर का गृह प्रवेश, आपने तो वीडियो देखा ही है, तो उस दिन का आज 1 साल पूरा हो गया और इस घर में हमें प्रवेश होके 1 साल हो गया। 1 साल हो गया।
और घर के बर्थडे भी बनाएंगे तो थोड़ी दिन बाद कुछ कुछ फंक्शन है उसके साथ सत्यनारायण की पूजा फिर से होगा घर का बर्थडे। तो ऑयल अच्छे से गर्म होते ही मैं डाल दूंगी एक चुटकी भर सेसमे सीड, किया हुआ लहसुन ये 5-6 कली है लहसुन की, और एक टुकड़ा अदरक की, और 2 ग्रीन चिली। और अब मैं डाल दूंगी बारीक चॉप किया ऑनियन, ये मीडियम साइज के 2 ऑनियन को चॉप करके मैं डाल दूंगी। तो अच्छे से मिक्स करके भून लूंगी पहले। ये जो सेसमे सीड मैंने डाला बहुत बढ़िया एक फ्लेवर देता है, अच्छा सा सेसमे सीड डाल लेना कोई सा भी चाइनीज बनाने से पहले, जब अदरक लहसुन की हम छौंक लगाएंगे गरम गरम ऑयल में तो सेसमे सीड एक चुटकी डाल देना। तो ऑनियन अच्छे से भून चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी ग्रीन ऑनियन, व्हाइट और ग्रीन पार्ट मिक्स करके, ज़्यादा वेजिटेबल मैं यूज नहीं कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसमें कैप्सिकम, बेल पेपर और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है आप यूज कर सकते हो। तो ग्रीन ऑनियन भी हल्का सा भून लिया अच्छे से। अब मैं डाल दूंगी व्हाइट विनीगर, 1.5 चम्मच लिया मैंने, और चिली पेस्ट 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो केचप मिक्स करेंगे। तो मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच नमक, ये है मम्मी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद मिक्स कर दूंगी अच्छे से। हल्का सा ग्रेवी बनाएंगे हम लोग। ये मिक्स होने के बाद ये मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को 1 कटोरी पानी में अच्छे से घुल दिया, इतना ही ग्रेवी बनाएंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद एक पतला सा स्लैरी बन गया है, अभी इसको डाल दूंगी। बहुत ही स्पाइसी और मस्त ग्रेवी बन रहा है गाइस, कलरफुल ना। तो उबाल आते ही मैं डाल दूंगी इसमें फ्रेश धनिया पत्ता, और ये बहुत ही क्विक बनता है गाइस, एकदम जल्दी। वेजिटेबल डालेंगे थोड़ा और ज्यादा, 2-4 मिनट ज्यादा लगेगा, और वेजिटेबल कटिंग चॉपिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें 10-15 मिनट और ज्यादा लगता है कटिंग चॉपिंग में, और फ्राई करने में भी इतना सही लगता है। तो अब बॉयल आ चुका है, अब मैं डाल दूंगी ये डम्पलिंग, चीज भी मेल्ट हो जाएगा एकदम अच्छे से, और डम्पलिंग भी डूब जाएगा, डूब जाएगा। सीधा सीधा डालो ये, सीधा ये, सीधा पोटली। वाव, ये सबसे क्यूट वाला पोटली था, पोटली तो टेढ़ा हो गया। नहीं, वो सीधा कर देंगे, ये देखो ये तो एकदम झुपझिप। वाव, ये चीज एकदम मेल्ट हो चुका है, तो एकदम इजी तरीके से बन जाएगा बहुत जल्दी। चीज तो अंदर एकदम सब मेल्ट हो चुका है 2 मिनट में। तो अब मैं डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा और हरा धनिया पत्ता, और ये ऑलमोस्ट बन गया है, बन चुका है। वाव, और ऊपर से थोड़ा सेसमे सीड, बस 4 चांद लग गए, इतना सुंदर लग रहा है डिश। तो प्लेटिंग कर दिया मैंने, एकदम सिंपल और इजी तरीके से बनाया मैंने राइस पेपर से डम्पलिंग। आप लोग बनाओ, बना के खाओ, और खाने के बाद कमेंट में मुझे जरूर बताना कैसा था आज का मेरा ये सिंपल और इजी रेसिपी। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।